মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকদিন আগে প্রশাসনিক বৈঠকে পুলিশ কর্তাদের মিম পার্টির সভা করার জন্য পারমিশন দিতে নিষেধ করেছেন। তারপর থেকেই প্রশাসনের চোখের বালি হয়ে দাঁড়িয়েছেন মিম কর্মীরা। 3রা ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ ইউনিটের মিম নেতা আসাদুল শেখকে গালাগালি করতে দেখা যায় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ অফিসারকে। সেখানেই শেষ নয়, মিম কর্মীদের ভীত সন্ত্রস্ত করতে গভীর রাতে মিমের মালদা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মতিউর রহমানকে গ্রেপ্তার করে চাঁচল থানার পুলিশ। জানা যায়, কোনো কারণ ছাড়াই ভোর 3টার সময় মতিউর রহমানকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় পুলিশ। এর পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানালেন বাংলার MIM এর অবজারভার সৈয়দ ওয়াসিম ওয়াকার। কাল রাত কে 3 বাজে অল ইন্ডিয়া মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলিমিন কে এক তেজতর্রার ওয়ার্কার মতিউর রহমান কো মালদা মে উনকে ঘর সে পুলিশ নে নাজায়েজ তরিকে সে অবৈধ তরিকে সে অ্যারেস্ট কর লিয়া হ্যায়। পুলিশ ये जुल्म ज्यादती इसलिए कर रही है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल में आए और बंगाल में काम करे। दीदी, हम आपके जुल्म से डरने वाले नहीं हैं, हम दबने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम सीना तान कर खड़े रहेंगे, हम तूफानों का भी सामना कर लेंगे। मैं अपने बंगाल के तमाम साथियों से, तमाम लोगों से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत करते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि मुतीउर रहमान को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। मुतीउर रहमान को जल्द से जल्द आप लोग किसी भी कीमत के ऊपर बाहर लेकर आएँ। मैंने अपने लोगों से बोल दिया है कि हम ये लड़ाई नीचे से लेकर ऊपर तक लड़ेंगे, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। हम अपने साथी को जेल में नहीं रहने देंगे। हम पूरी मजलिस यहाँ से लेकर हैदराबाद तक, मालदा से लेकर हैदराबाद तक मुतीउर रहमान के साथ खड़ी है, आखिर तक खड़ी रहेगी। मैं जानता हूँ कि मुतीउर रहमान एक बहादुर कार्यकर्ता हैं, मैं जानता हूं कि मुतीउर रहमान एक ताकतवर कार्यकर्ता है और वो इस छोटे से जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। वो जिस तरह से लड़ रहे हैं उसी तरह से लड़ते रहेंगे। हम सब मुतीउर रहमान के साथ हैं और मुतीउर रहमान को इंशाल्लाह बहुत जल्द बरी करा के निकाल कर फिर से लेकर आएंगे और फिर उसी ताकत के साथ मुतीउर रहमान और हम सब मिलकर बंगाल में काम करेंगे। शुक्रिया।